हाय एवरीवन। सो अभी मैंने एक हायरिंग वीडियो डाली थी, ठीक है। जिनने नहीं देखी वो डी शो वाली हायरिंग, डी शो डिलर टेक महिंद्रा वाली, तो वो इसको अप्लाई कर सकता है। इसकी लिंक मैं आपको सबसे ऊपर प्रोवाइड कराऊंगा। अब ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें डी शो की लिंक वर्क नहीं कर रही है। कैसे वर्क नहीं कर रही है, मैं अभी आपको लाइव ही दिखा देता हूँ एक बार। तो जब देखो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, मैं आपको बस यही बोलूंगा कि आप है ना इसमें पीसी से अप्लाई करना, पीसी से करो, पर्सनल कंप्यूटर से, मोबाइल से मत अप्लाई करो, ठीक है। सो देखो मैं आपको सामने दिखा देता हूँ ओपन करके। अभी रिकॉर्ड करते में मैंने ये ओपन की और आप देख सकते हो ओपन हो गई। कई लोग बोल रहे हैं इसको ओपन करने में सेशन टाइम आउट आ रहा है, जबकि ऐसा मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मैंने अभी जस्ट अप्लाई करके भी चेक कर लिया था, इसमें मुझे तो कोई भी इशू नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो आप लोग एक बार चेक करो, इनकॉग्निटो मोड से ऑन करके देखो या किसी और तरीके से चेक करके देखो। मेरे हिसाब से तो वर्क कर रही है, बहुत सारे बच्चों ने इसमें अप्लाई कर भी दिया है। तो एक बार रीट्राई करो आप लोग, है ना। इसकी लिंक मैं आपको सबसे ऊपर प्रोवाइड करा के दूंगा। देन आगे बढ़ते हो, बात करते हैं एक बहुत ही सही हायरिंग के बारे में, जो कि एरिस टेक्नोलॉजीज की तरफ से देखने को आ रही है। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायर कर रही है, बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब आप इसमें अप्लाई लिंक पे ओपन करोगे, यहाँ पर इसमें एक चीज मेंशन है कि क्या आप अवेलेबल हो बैंगलोर में फॉर ऑफलाइन इंटरव्यू। तो देखो जो लोग बैंगलोर नहीं पहुंच पाएंगे ना, वो यहाँ पर नो चूज कर देना, और जो लोग बैंगलोर में है वो यस चूज कर लेना। अगर कोई भी सेटलमेंट की गुंजाइश होगी तो आपकी पूरी प्रोसेस को वर्चुअल कंडक्ट करवा दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर इन्हें ऑप्शन दिया हुआ है। सो आप इसमें नो चूज कर कर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। हायरिंग काफी अच्छी होने वाली है, ठीक है। 10 लाख रुपए का पैकेज है इसमें। सबसे पहले यहाँ पर क्वालिफाइंग ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर कोडिंग टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, और फिर मैनेजरियल राउंड होगा। 4 राउंड में पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पर डिवाइडेड है। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, बी बीटेक और एमसीए विद ग्रेटर देन 7.5 सीजीपीए की रिक्वायरमेंट रखी है। अप टू 10 एलपीए की रिक्वायरमेंट मांगी है, और बहुत सही अपॉर्चुनिटी है, जरूर ट्राई करना है इसमें आप लोग, ठीक है। अच्छी हायरिंग है, सो डू नॉट मिस टू अप्लाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट हायरिंग के बारे में, जो कि हमें डेंस टू कंपनी की तरफ से देखने को मिल रही है। एक टाइम पे हुआ करता था जब ये कंपनी मास में हायर करती थी, और मतलब बहुत सारी हैं लेकिन कंपनीज जिनने अभी हायरिंग बिल्कुल बंद कर दी है। बट चलो एटलीस्ट इसने अभी एक हायरिंग तो पोस्ट करी है, और उसमें ये लिखा हुआ है वी आर हायरिंग फॉर फ्रेशर कैंडिडेट एनालिस्ट डेटा मैनेजमेंट। फ्रेशर्स के लिए हायर कर रही है कंपनी, और अगर आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्ट आप श्रुति को यहाँ पर मेल कर सकते हो अपना सीवी, यहाँ पर shruti.garg@dentsu.com, ऑफिशियल रिक्रूटर है डेंट्स टू की। सो आप डायरेक्टली इनको मेल कर सकते हो अपने सीवी को, ठीक है। आप श्रुति को डायरेक्ट मेल करके इसमें अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करते हैं बार्कलेस की, तो बार्कलेस यहाँ पर हायर कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए। जॉब लोकेशन पुणे होगी, सो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मांगा हुआ है, एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस एज वेल, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी हायरिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ईवाई, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ईवाई हायर कर रही है। अच्छी हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, डू नॉट मिस टू अप्लाई। फ्रेशर्स के लिए है जनरली। वैसे मैं आपको एक चीज एक और बताना चाहता हूँ कि ये जो ईवा है ना, मतलब आज मैं सोच तो रहा था एक चीज के बारे में, जैसे ये ईवा है, अब जैसे इसने एएससी की हायरिंग निकाली, एक टाइम हुआ करता था जब ये इतनी बड़ी हायरिंग निकलती थी ना, एक बार में 2-2 हज़ार बच्चे टेस्ट दे देते थे, और आज के टाइम पे देख लो आप क्या हालत है। इस प्रकार से अभी मैं एक चीज और सोच रहा था, वो सोच रहा था मैं टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। सो आपको एक चीज बिलीव नहीं होगी, मतलब टाटा टेक्नोलॉजीज ने हायरिंग कंडक्ट कराई थी 2021 में, तब मैं यूट्यूब पे हायरिंग वीडियोज अपलोड करता था। टाटा टेक्नोलॉजीज की हायरिंग आप उस समय ये समझो कि कम से कम 10 से 12 हज़ार बच्चों ने एक बार में रिक्रूट किए थे, और अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 ईयर में मतलब टाटा टेक्नोलॉजीज केवल वॉक इन ड्राइव पोस्ट कर रही है, फ्रेशर्स के लिए हायरिंग ही पोस्ट नहीं करी। तो यार ये बात तो है कि डाउनग्रेड बहुत ज्यादा हुई है हायरिंग्स। अगर मैं 2023 से कंपेयर करूंगा ना, तो कह सकते हैं कि 5% शायद ऊपर आ रही है 2023 के मुकाबले, स्थिति 5% केवल अच्छी हुई है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ 2021 से, तो भाई 2021 से तो अगर कंपेयर करके अगर सीधी सीधी आपको क्लियर फैक्ट बताऊं तो 100% से भी यहाँ पर हायरिंग्स कम हुई हैं। मतलब इतना ज्यादा डाउनग्रेड हुआ है कि बिल्कुल जैसे 50% रह गई है हायरिंग, मतलब 50% से भी कम रह गई है। आप ये मान के चल सकते हो कि अगर 100 हायरिंग्स पहले निकलती थी तो अब उसकी जगह 100 की जगह सीधे सीधे केवल 10 हायरिंग निकल रही है। मतलब इतना ज्यादा डाउनग्रेड हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि 2021 में भी ये मैं यूट्यूब चैनल चलाता था, मतलब हर 4 से 5 दिन में एक नई कंपनी की मास हायरिंग दिख जाती थी। अब यहाँ पे तरस जाती है कि 1 महीने में 1 या 2 मास हायरिंग आ जाए, मतलब मेरे को भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि मेरा तो कंटेंट ही इसी के अराउंड है। बट ये बात तो है यार, मतलब बहुत ज्यादा डाउनग्रेड यहाँ पर हुआ है, ये बात तो मैं कहूंगा। अब देखते हैं, मतलब देखो सीधी बात ये बताऊं तो पहले मैं YouTube पर मेहनत भी उतनी ज्यादा नहीं करता था, और मेरे को काफी काफी मतलब अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल जाते थे। अब आप लोगों को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे भी ज्यादा मेहनत पड़ रही है, क्योंकि देखो अपन जितनी ज्यादा हायरिंग डालेंगे सीधी बात है रिस्पॉन्स आने के चांसेस भी उतने बढ़ते हैं, रिजेक्शन के भी चांसेस उतने बढ़ते हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि हायरिंग्स इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि जो भी अपॉर्चुनिटी दिखे वो तो मैं डाल देता हूँ, इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि क्या पता किसी को अगर आ जाए तो अच्छा ही हो जाए, और इस प्रकार से काफी लोगों के सिलेक्शन वगैरह हो भी रहे हैं। बट हाँ ये तो है कि मतलब स्थिति डाउन तो काफी ज्यादा, ये बात तो मैं जरूर कहूंगा।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट हायरिंग की, जो कि ईवाई की तरफ से हमें एक और देखने को मिल रही है फॉर एसोसिएट एनालिस्ट। सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एज वेल अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं किया है। देन वी वर हायरिंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम एमडॉक्स, एमडॉक्स इज हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई। इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, बीए का मतलब उससे टेंशन मत लेना, इंजीनियरिंग वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें अप्लाई करने में, ठीक है। देन वी हैव अ हायरिंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम सिम्फोनी एआई, सो सिम्फोनी एआई इज हायरिंग फॉर इंटर्नशिप डेटा साइंटिस्ट, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई दिस एज वेल। सो आई विल बी पुटिंग आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।